26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई में हर रोज की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे, लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुफ्त ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैसे मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाके और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज कई साल हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो उन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। पुलिस को रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी की सजा दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया जिससे ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई। भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक इस हमलों की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हमला हुआ तो ताज होटल में 450 और ओबरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। वहीं ताज होटल की इमारत से निकलती धुआं बाद में मुंबई पर हुई हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब पुलिस के गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी।